प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट डे हमने पढ़ा था पेज की सेटिंग कैसे करते हैं, और वो आपको अच्छी तरह से समझ भी आया, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुलेटिन नंबरिंग के बारे में। इनके बारे में 9th में भी पढ़ा हुआ है। टू इनक्रीज द ब्यूटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, MS वर्ड प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग स्टाइल टू डू सो। टू इंक्रीज द ब्यूटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की सुंदरता और उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए, MS वर्ड प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स। MS वर्ड हमें बहुत सारे बुलेट्स और नंबरिंग स्टाइल उपलब्ध करवाता है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, ठीक है। MS वर्ड हमें बहुत सारे बुलेट्स और नंबरिंग स्टाइल उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, किस लिए? सुंदरता और पढ़ने योग्य बनाने के लिए, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। वी कैन क्लिक ऑन होम टैब एंड कैन इंसर्ट दीज बुलेट्स एंड नंबर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, और वी कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट एंड कैन अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू। वी कैन क्लिक ऑन होम टैब, ठीक है, हम होम टैब पे क्लिक कर सकते हैं, एंड कैन इंसर्ट दीज बुलेट्स एंड नंबरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, और इन बुलेट्स और नंबर्स को स्टैंडर्ड टूल बार से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके भी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग को, फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये देखो दो तरीके हैं इसको इंसर्ट करने के, या तो होम टैब के अंदर जाके वहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे दी हुई ऑप्शन बुलेट्स एंड नंबरिंग की वहां से डाल लो, नहीं तो दूसरा तरीका है, जैसे मान लो ये है हम यहाँ पे और ये है होम टैब, ठीक है, होम टैब के अंदर ये है देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये स्टैंडर्ड टूल बार है पूरी की पूरी, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक कर लो डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो ये है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहे हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर लो, चाहे यहाँ से इंसर्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ऑटोमेटिक एक तीसरा मेथड भी है इनको ऑटोमेटिक ही करने का। चलो ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर कैसे करते हैं बुलेट्स को, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह की चाहिए तो इस तरह के बुलेट्स, ठीक है, एंटर प्रेस किया, इस तरह से ये काम करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के लिए अलग चाहिए तो नेक्स्ट के लिए, ये देखो ये सारे बुलेट्स होते हैं जो सिंबल से हम इंसर्ट करते हैं ना, ठीक है, और बाकी नंबर्स कहाँ से करने हैं वो आपको मैंने बताया है। नंबर्स के लिए भी है ना, यहाँ यहाँ से हम नंबर्स, ये नंबरिंग के लिए है, अगर इस तरह से नंबरिंग करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है, कि ऐसे नंबरिंग चाहिए, ऐसी चाहिए, बस लिखा एंटर प्रेस किया, इस तरह से फटाफट लिखा एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो मैंने एक और आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ नंबर्स के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिखा, इसके पैर में इस तरह से डॉट लगाना है, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा यहाँ पे इस तरह से बिजली का निशान आ जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह का मार्क बन जाता है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक है। ये देखो ये एंटर प्रेस किया, अपने आप ऑटोमेटिक 2 भी आ गया, ठीक है। ये देखो एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक चल रहे हैं सबके लिए इस तरह से, जैसे ए लिखा, ये देखो ये भी ऑटोमेटिक हो गया, लिखा फटाफट एंटर प्रेस किया, अपने आप ऑटोमेटिक नंबरिंग चल रही है, ठीक है। तो ये है बुलेट्स और नंबरिंग, कैसे करनी है इंसर्ट यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। होम टैब के अंदर रहती है ऑप्शन, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे आ जाती है, ये देखो ये यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से, ये राइट क्लिक किया और ये देखो यहाँ से ये आ रही है, देखो ये नंबर्स, राइट क्लिक करके ये लिखा एंटर प्रेस किया, ठीक है, ये तो ये था हमारा बुलेट्स और नंबरिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, वट डू यू मीन बाई बॉर्डर एंड शेडिंग फीचर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे बॉर्डर और शेडिंग कैसे करते हैं, तो ये भी किस काम आता है, टू इंक्रीज मोर ब्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंट,
ठीक है, डॉक्यूमेंट की सुंदरता को बहुत ज़्यादा और बढ़ाने के लिए एमएस वर्ड प्रोवाइड बॉर्डर एंड शेडिंग फैसिलिटी। एमएस वर्ड हमें बॉर्डर और शेडिंग की सुविधा देता है टू सिंगल पैराग्राफ और टू द एंटायर पेज। सिंगल पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं और पूरे के पूरे पेज के ऊपर भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, टू अप्लाई पैराग्राफ बॉर्डर दी स्टेप्स आर, पैराग्राफ के ऊपर अगर हमने बॉर्डर लगाना हो तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है। सिलेक्ट द पैराग्राफ और टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब इन एम एस वर्ड 2013, उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन टैब के ऊपर एम एस वर्ड 2013 में। ठीक है, 2007 जो है ना एम एस ऑफिस, वहाँ पे लेआउट टैब है, उसके अंदर है ये ऑप्शन पैराग्राफ और बॉर्डर की, जबकि जो एम एस वर्ड 2013 है उसमें डिज़ाइन टैब के अंदर है। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन पेज बॉर्डर ऑप्शन, व्हेन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर देन क्लिक ऑन बॉर्डर टैब, सेलेक्ट सेटिंग स्टाइल कलर विड्थ अप्लाई टू सेलेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। अब देखो एक स्टेप देखते हैं, सेलेक्ट द पैराग्राफ, पहले हम क्या करेंगे एक पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन टैब के ऊपर जाएंगे, फिर पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से इंसर्ट होगा। ये देखो मान लो हमने इसको जैसे ये है ना यहाँ पैरा, इसको ही हमने बॉर्डर लगाना है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम गए डिज़ाइन, ये देखो ये डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब है, यहाँ पे पेज कलर पेज बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर पैराग्राफ के लिए लगानी है ना हमने, तो ये पैराग्राफ के लिए, पेज के लिए पूरे के पूरे पेज के लिए यहाँ पे, और सिंगल पैराग्राफ के लिए यहाँ पे है। ठीक है, बॉक्स, ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है, शेडो वाली बॉर्डर लेनी है तो शेडो वाली बॉर्डर ले लो, और बॉर्डर का कैसा स्टाइल लेना है, इस तरह का रखना है बॉर्डर। ठीक है, कलर रखना है बॉर्डर के लिए तो कलर ले लो बॉर्डर के लिए ये। ठीक है, इसकी मोटाई रखनी है यहाँ से, विड्थ है ये कलर है और ये विड्थ मोटाई, ओके। तो ये देखो सारी टेक्स्ट और पैरा, इनकी टेक्स्ट को सारे के सारे टेक्स्ट को बॉर्डर लग गए। अगर पूरे के पूरे पेज को बॉर्डर लगानी तो स्टेप वही रहेंगे कि क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, नाउ क्लिक ऑन पेज बॉर्डर ऑप्शन, उसके बाद जाएंगे हम बॉर्डर ऑप्शन पेज बॉर्डर पे। ठीक है, पेज के लिए लगानी तो पेज बॉर्डर से, पैराग्राफ को लगानी तो बॉर्डर से। ठीक है, पेज बॉर्डर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ये देखो बॉर्डर की स्टाइल्स हैं, इस तरह की स्टाइल्स भी हैं और नीचे भी हैं और तरह की स्टाइल्स। ये देखो ये डॉट वाला लगाना है तो डॉट वाला लगा दो, ये नहीं लगाना है तो, और कलर बनाना है इस बॉर्डर को तो कलर कर लो। ठीक है, ये कलर हो जाएगी इस तरह से, लेकिन मान लो इस तरह का स्टाइल नहीं लेना है तो यहाँ नीचे भी यहाँ स्टाइल। अब देखो इसकी मोटाई, पहले तो मोटाई सेट कर लेते हैं, ये मोटाई हो गई इसकी, अगर ऐसी बॉर्डर लगानी है तो, लेकिन ऐसी बॉर्डर नहीं लगानी है, आर्ट वाली यूज़ करनी है तो यहाँ पे हमारे पास आर्ट वाली बॉर्डर्स रहती हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की, ये सिलेक्ट की और ओके। ठीक है, पूरे के पूरे पेज को इस तरह से देखो बॉर्डर लग गई। अगर पेज को हम छोटा करेंगे ना तो कैसा पेज नज़र आएगा, ये देखो ये है पेज बॉर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं शेडिंग की, पेज बॉर्डर तो हो गया, ये देखो ये स्टेप्स जो थे सेम ही हैं। देखो सिंगल पैराग्राफ, टू अप्लाई पैराग्राफ बॉर्डर, स्टेप्स यही हैं, टू अप्लाई पेज बॉर्डर स्टेप सेम है, क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब इन एमएस वर्ड 2013, नाउ क्लिक ऑन पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, व्हेन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड देन इट विल देन इन द पेज बॉर्डर सेलेक्ट सेटिंग स्टाइल कलर विड्थ हार्ड एंड अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट और सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएगी सेम वैसे ही। टू अप्लाई पैराग्राफ शेडिंग द स्टेप्स आर, अब पैराग्राफ के लिए शेडिंग लगानी हो तो उसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप सेम वहीं पे हैं, वही हैं जैसे इनके लिए थे। सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ और टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद जाएंगे डिज़ाइन टैब के ऊपर, नाउ क्लिक ऑन पेज बॉर्डर ऑप्शन, पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, व्हेन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर देन क्लिक ऑन शेडिंग टैब, तीन टैब है वहाँ पे बने हुए, नाउ वी कैन फिल द कलर स्टाइल एंड कलर कैन अप्लाई टू द टेक्स्ट और पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए जो वो सबने शेडिंग करनी है वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा विंडो को छोटा कर लेते हैं। ये जैसे मान लो इस पैराग्राफ को हमने शेडिंग देनी है, सेलेक्ट किया पहले, ठीक है, उसके बाद गए हम डिज़ाइन टैब पे, सेम वहाँ पे पेज बॉर्डर ऑप्शन पे, पेज बॉर्डर के अंदर देखो ये पैराग्राफ बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर और ये शेडिंग, नो कलर आ रहा है शेडिंग के लिए। अगर मान लो कलर हमने लाइट सा कलर लेना होता है वैसे शेडिंग के लिए, ठीक है, ये वाला कलर ठीक है, ये लाइट कलर, ठीक है, उसके बाद अप्लाई टू पैराग्राफ या पूरे का पूरा टेक्स्ट है या पैराग्राफ जो भी है आपका पैराग्राफ है, ओके।
ये देखो हो गया ना, देखो कलर चेंज बैक साइड से, ये देखो शेडिंग आ गई बैक साइड में, कलर आ गया यानी कि पैराग्राफ के पीछे, इसको बोलते हैं हम शेडिंग, शेड डालना। ठीक है, तो ये थी पैराग्राफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो आज के लिए हमारा कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।